हेलो नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग फेसबुक पे अपने स्नैपचैट का लिंक ऐड कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको स्नैपचैट में ले चलता हूँ, हम लोग स्नैपचैट में आ जाते हैं। अब स्नैपचैट में ये जो लिंक होता है, जैसे ये वाला लिंक है, ये मेरा स्नैपचैट का यूज़र नेम है। हम यहाँ पर फेसबुक में कैसे ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको फेसबुक में ले चल के बताता हूँ किस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको बिल्कुल विस्तार से समझाता हूँ, ठीक है। सो हम लोग फेसबुक में आ जाते हैं, ये रहा मेरा फेसबुक, और यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल वाले सेक्शन में चलते हैं। प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मेरी लिंक्स ऐड हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम की ऐड, अगर हम लोग इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, ये देखिए इंस्टाग्राम पे। अब क्या इसका फ़ायदा ही होता है, जब भी कोई आपकी प्रोफाइल, आपका फ्रेंड वगैरह कोई भी विजिट करता है आपके यहाँ पे फेसबुक पे आके, तो डायरेक्टली आपके सोशल लिंक यहाँ पे चेक कर सकता है। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यूट्यूब चैनल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे यूट्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ना अपने फेसबुक के थ्रू अपना सोशल मीडिया को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो काफ़ी फायदा, आप लोग यहां पे अपना स्नैपचैट का लिंक ऐड करेंगे तो कोई भी आपका फ्रेंड या आपका फेसबुक फ्रेंड या कोई भी अदर जो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो डायरेक्टली आपके यहां से स्नैपचैट में जा सकता है। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना होगा, अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाना होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वहां पर चले गए थे, हमको प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना है। उसके बाद प्रोफाइल वाले सेक्शन पर यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर आ जाएंगे तो हमें यहां पर क्लिक करना पड़ेगा एडिट पब्लिक डिटेल्स में। ये जैसा फोटो ऐड है, अगर ये फोटो नहीं होगा तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली एडिट पब्लिक डिटेल्स का ऑप्शन यहीं पे आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज लोडिंग होगा, हमको सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा यहाँ पे एडिट योर अबाउट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। इन्फॉर्म लिखा होगा, फुल इन्फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आना है। जैसे ये रही हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये रही हमारी यहाँ पर डिटेल्स। अब हमको एडिट वाले ऑप्शन पर साइड में क्लिक करना है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पेज लोडिंग हो जाएगा, जैसे लोडिंग हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको सोशल लिंक्स दिखाई दे रही, ये वाला, ये देखिए सोशल लिंक्स। अब यहाँ पे मेरी तीन लिंक्स ऐड है, जैसे YouTube का ऐड है, Twitter का ऐड है और Instagram का। तो हमें यहाँ पे Snapchat का ऐड करना है, तो हम लोग डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट में Instagram आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर Snapchat को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, आपका यूज़र नेम डालना है, जो भी आपका Snapchat का यूज़र नेम है। आपको यहाँ पर Snapchat में आ जाना है, ये रहा हमारा Snapchat, सॉरी ये Instagram है। हम लोग यहाँ से Snapchat में आ जाते हैं। Snapchat में आने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम दिखाई देगा। अब ये जो यूजर नेम है ना, ये मेरे ऐसे डेमो अकाउंट का है। हम लोग यहाँ पे मेरा ऑफिशियल यूजर नेम इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से फेसबुक पे। और यहाँ पे फेसबुक पे आने के बाद हमें फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे नेट कनेक्शन मेरा सही है तो बिल्कुल हम शुरू से आ गए हैं। ऐड प्रोफाइल, ऐड सोशल लिंक पे क्लिक करेंगे, वापस से स्नैपचैट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरा ये है स्नैपचैट का यूजर नेम करेंटली, मनीष फॉर यू डॉट वाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। अब ये ऐड होने के बाद यहाँ पे हमको ऐसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे ये सेव होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। तो यहाँ पर हमारा जो स्नैपचैट का यूज़र नेम वो सेव हो गया। वो किस तरीके से वर्क करेगा, चलिए मैं आपको प्रोफाइल में ले चल के बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा सभी जो सोशल लिंक है उनके साथ यहाँ पे स्नैपचैट का भी आ चुका है। एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा स्नैपचैट का, नहीं स्नैपचैट का अभी करेंटली नहीं आया आपको, उसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ से मैं पूरा फेसबुक हटाता हूँ और हम लोग वापस से फेसबुक में आ जाते हैं। ये रहा हमारा फेसबुक, और फेसबुक में आने के बाद यहाँ प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल वाले सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे लिंक आ जाएगा स्नैपचैट का। ये देखिए स्नैपचैट का लिंक आ चुका है और यहाँ पे बाकी वगैरह लिंक्स भी हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने फेसबुक में अपने स्नैपचैट का लिंक ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।